हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल .NET Institutes में। और फ्रेंड, जैसे कि हमारी ऐप के लिए ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज चल रही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स की, और आज की वीडियोस में हम इसका थर्ड लेसन आपके लिए लेके आए हैं, जो कि है हमारा टेबल फॉर्मेटिंग विद फॉर्मूलाज। यस फ्रेंड, जैसे कि दो लेसन हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं और आई होप आपने उनकी वीडियोज़ देख ली होगी, और आज हम इस थर्ड लेसन में आपके लिए जानेंगे टेबल फॉर्मेटिंग विद फॉर्मूलाज के बारे में, जहाँ पे कि फर्स्ट हमारी जो टेबल है वो है रिजल्ट टेबल, जिसमें कि हम सम एवरेज कंडीशनल फार्मूला का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टेबल्स मैं आपके लिए नहीं बना रहा हूँ अभी, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ और ये इसकी वीडियोस ऑलरेडी आपको हमारे यूट्यूब चैनल्स में मिल जाएगी। तो आप इसका लिंक मैं आपको इस वीडियोज़ में भी दे दूँगा, और मैं आपको साथ साथ में बता भी देता हूँ कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें कि आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ये है आपकी वीडियो, इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाएं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, जिसके अंदर कि आपको पूरा रिजल्ट जो सीट है मार्कशीट का वो कैसे आपको बनाना है, जिसमें कि एवरेज और सम एवरेज कंडीशनल फॉर्मा इफ एल्स की कंडीशन पूरी उसमें हमने यूज की है। तो ये टेबल हम आपके लिए नहीं बना रहे हैं। ये सेकंड जो टेबल है बिल ऑब्लिक कैश मेमो टेबल, ये आज हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ में तीसरी वाली जो है सैलरी स्लिप, ये भी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो आपको ये हमारी जो है एक्सेल्स की जो प्लेलिस्ट है आपकी वीडियोस की, उसके अंदर आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप इसके मुताबिक इसके लिए जा सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि बिल ऑब्लिक कैश मेमो, अगर आपको एक कैश मेमो बनाना है, या जो कि एक नॉर्मल जो चालान टाइप का या एक रिसीव टाइप की जो होती है बिल्स की, वो अगर आपको बनाना है एक्सेल्स में, तो आप उसे कैसे बना सकते हैं, मैं आपको एक फॉर्मेट आप चलते हैं। ये हमारा लेसन है टेबल फॉर्मेटिंग विद फॉर्मूलाज, और ये जो टेबल है रिजल्ट टेबल, ये मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि ये हम इसकी वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो चैनल में ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उस लिंक के थ्रू जा सकते हैं इस टेबल के लिए, कि कैसे आपको ये टेबल बनानी है, जिसमें कि आपको रिजल्ट के बारे में कि प्रॉपरली स्टूडेंट्स अगर अपनी मार्कशीट को सब्जेक्ट के 5 सब्जेक्ट के साथ टोटल और एवरेज प्लस 5 सब्जेक्ट का कंपैरिजन है, मैक्सिमम मार्क्स मिनिमम मार्क्स साथ साथ में रिजल्ट और डिवीजन तक, ये पूरी टेबल आपके लिए बना के रखी है, और जिसमें कि हमने सम का यूज किया है, एवरेज का यूज किया है, फंक्शन का काउंट नंबर का किया है, मैक्सिमम मिनिमम और इफ एल्स कंडीशंस भी इसके अंदर यूज की गई है, जहाँ पे कि आप फेल और पास रिजल्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ रिजल्ट कॉलम में, और डिवीजन कॉलम में आपको जो है वो डिवीजन के अकॉर्डिंग भी आपके लिए ये चीज़ें सेट हैं। तो ये वीडियो ऑलरेडी रेडी है आपके लिए, आप इसको जो आपके लिए जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू आप इस वीडियो के लिए जा सकते हो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे बिल कैश मेमो टेबल के बारे में, कि एक बिल ऑब्लिक कैश मेमो अगर हमें बनाना है तो किस तरीके से। ये देखिए फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको जो कि नोट्स हैं, आई होप आपने ये नोट्स हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लिए होंगे, और उनके अंदर ही ये पूरी डिटेल्स आपके लिए है। तो आज हम इसको जानेंगे कि किस तरीके से आप ये बिल ऑब्लिक कैश मेमो अगर आप बनाना चाहते हैं, तो ये फॉर्मेट है जहाँ पे कि हम प्रॉपरली एक यहाँ पे नेम ऑफ पार्टी का नाम होगा, साथ साथ में सीरियल नंबर, डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और यहाँ पे वैट या आजकल हमारा TDS, अब हमारा GST जो कि अब हमारा लगता है, पहले वैट लगता था जब ये फॉर्मेट बना था उस टाइम का, और अब हम GST यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे GST लगा के देखेंगे, साथ साथ में जो है ग्रॉस टोटल्स के बारे में, और ये पूरा टेबल बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में, और आज की वीडियोस का जो है बिल ऑब्लिक कैश मेमो को हम शुरू करते हैं बनाना। तो ये हम आ चुके हैं एक्सेल्स में, ये हमारा एक्सेल सीट है फ्रेंड्स, और अब यहाँ पे अगर हमें कोई भी बिल ऑब्लिक कैश मेमो बनाना है, तो डायरेक्टली अगर आप चाहते हैं नेम वगैरह देना, तो जैसे मैं अपना ही नेम जो है दे देता हूँ .NET Institute का, और यहाँ पे हम अपना ही एड्रेस आपको दे देते हैं C9 ब्लॉक हमारा है C जो है दिलशाद कॉलोनी दिलशाद गार्डन एंड दिल्ली 1095, और ये हमने डिटेल्स दे दी। इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं बिल ऑब्लिक कैश मेमो, और ये हेडिंग हो गया, यहाँ पे हम देते हैं नेम ऑफ पार्टी,
कॉलम लेके लिख देते हैं सीरियल नंबर और फिर यहाँ पे डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और यहाँ पे हम लेते हैं क्वांटिटी, यहाँ पे देते हैं रेट और यहाँ पे हम देते हैं अमाउंट। एक बार हम फॉर्मेट चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा है फॉर्मेट जहाँ पे कि हमने क्वांटिटी, रेट और टोटल अमाउंट एंड टीडीएस एंड ग्रॉस टोटल्स हमें इसमें देना है। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट, यहाँ पे हो जाएगा टोटल अमाउंट, यहाँ पे हम देते हैं जीएसटी एट द रेट 18% का और यहाँ पे हो जाएगा ग्रॉस टोटल। तो ये फॉर्मेट है फ्रेंड्स, आप कभी भी आपको एक्सेल में कोई भी एक्सेल या वर्ड आपका कोई भी हो तो जो भी आपका टैक्स है पहले आप उसे टाइप कर लें, दैन उसके बाद आप उसकी फॉर्मेटिंग करें तो आपका काफ़ी टाइम उसमें सेव होता है। ऐसे नहीं कि आप साथ साथ में टाइपिंग करें और उसके साथ साथ में उसकी फॉर्मेटिंग या उसकी टाइप सेटिंग भी करें तो वो काफ़ी टाइम आप कर लेगा। तो ये एक इजी प्रोसेस है कि पहले आपने जो भी टैक्स इसके अंदर यूज़ हो रहा है वो हमने टाइप कर लिया है और हम इसकी फॉर्मेटिंग देखिए कितनी जल्दी हम कर लेते हैं। हमें यहाँ पे सीरियल नंबर का जो कॉलम है वो हमें छोटा रखना है तो हम इसे छोटा कर सकते हैं, डिटेल्स हमें बड़ी चाहिए तो हम इसे बड़ा कर सकते हैं, क्वांटिटी एंड द रेट एंड यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट एंड दिस इज जीएसटी कॉलम एंड दिस इज ग्रॉस टोटल। सो इसके बाद हम इसका प्रिंट व्यू भी चेक कर लेंगे क्योंकि प्रिंट व्यू से हमें ये पता लग जाएगा एग्जैक्टली हमारा ये जो पार्ट है एक टेबल में पेज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा जीएसटी एंड ग्रॉस टोटल जो है अगले पेज में जा रहा है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक ही पेज के अंदर इसका हमें रखना है। तो अगर हमें इसका स्पेस ज़्यादा यूज करना है तो हम उसके लिए पेज लेआउट में जाके इसका मार्जिन हम जो है वो सेट कर सकते हैं। तो आप मार्जिन्स में जाके इसके लिए आपको कस्टम मार्जिन करना होगा और साथ साथ में लेफ्ट और राइट का जो स्पेस है वो हमने 0.5 के स्पेस कर दिया। तो एक कॉलम हमारा अंदर है जबकि एक अभी भी हमारा बाहर है, तो इसके लिए हम क्वांटिटी को छोटा कर सकते हैं, रेट को भी हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं, टोटल अमाउंट्स जीएसटी हमारा ये है। अब देखिए ये हमारा इनसाइड ऑफ पेज आ चुका है तो इसको हम प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसे दोबारा से प्रिंट व्यू देखें तो ये हमारे स्टेप से टेबल दिख रही है। अब हम इसे प्रॉपर फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, यहाँ से हम इसे सेलेक्ट करते हैं एंड देन गो फॉर द होम और इसे हमें बॉर्डर्स लगाना होगा तो ऑल बॉर्डर्स हम सेट कर लेंगे। साथ साथ में अब इसे हम सेलेक्ट करते हैं और इसे कलर्स वगैरह कुछ देना, हमें बोल्ड करना है, इसे सेंटर करना है, ये हम सब कर सकते हैं। जो फॉर्मेट ये जो फील्ड्स आपकी कट रहे हैं उनको आप यहाँ से टेक्स्ट रैप कर सकते हैं, तो टेक्स्ट रैप करने से ऑटोमेटिकली जो भी आपका एक्स्ट्रा स्पेस जा रहा था वो आपका ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अब ये देखिए टेबल्स हमारी परफेक्टली सेट है, इसको हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं, इसे मर्जन सेंटर करेंगे, देन एड्रेस ऑल्सो, देन गो फॉर द मर्जन सेंटर, डॉट नेट को हमें बड़ा करना है, ये देखिए हम बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड इसको भी हमें बोल्ड करना, दिस वन हेडिंग है इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे, मैच मर्जन सेंटर बोल्ड करना चाहते हैं, आप साइज बढ़ा सकते हैं, दिस पार्टी नेम ऑल्सो गो फॉर द बोल्ड। अब ये हमें यहाँ से पार्टी नेम का एक प्रॉपर सेलेक्शन हमें देना है तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, तो यहाँ से प्रॉपर आपके लिए अंडरलाइन अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पार्टी नेम के लिए उसे सेलेक्ट करके आप बॉटम जो है लाइन दे सकते हैं, इस तरीके से बॉटम लाइन आपको मिलेगी, दिस इज फर्स्ट बॉर्डर। और यहाँ से भी अगर आपको पूरा इसे देना है तो ये पार्टी नेम के लिए आप इस टाइप से इसमें बॉर्डर आप लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे प्रिंट व्यू से इस तरीके से हमारे लिए एक प्रॉपर जो है वो टेबल आ चुकी है। अगर इस नेम को हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे रहे तो एग्जैक्टली इसको हमें कट करके इसमें हमें लेना होगा, तो आप पार्टी नेम हमारा एग्जैक्टली जो है वो यहाँ से हमारा शुरू होगा और इस पर भी हम बॉर्डर्स लगा सकते हैं। तो दिस इज ये हमारा एक प्रॉपर पार्टी नेम से ये आ चुका है फॉर्मेट दिस इज। तो अब ये देखिए फॉर्मेट बड़ा इजीली हमारा बन चुका है और सिंपली अब हमें इसके ऊपर डेटा एंट्री करनी है और अपना जो कि यहाँ पे हम देखें एक बार तो नीचे हम देख सकते हैं टोटल अमाउंट, ये भी हमें सेटअप करना है तो उसको हम अलग से कवर अप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं टोटल अमाउंट एंड यहाँ से आप सेलेक्ट कर दीजिए इन तीनों को और इसे कर दीजिए बॉर्डर्स पे या आप यस ऑल बॉर्डर और ये हमें देना है दिस इज ब्लैक बॉर्डर, इसे आप कर दीजिए बोल्ड। अब यहाँ पे हम अमाउंट्स की वैल्यूज, जीएसटी की वैल्यूज एंड ग्रॉस टोटल की वैल्यूज को दिखा सकते हैं।
तो दिस इज़ द फॉर्मेट। इस तरीके से फ्रेंड्स आप फॉर्मेट बना सकते हैं जो कि इजी फॉर्मेट में आप बना सकते हैं। अब चलते हैं हम इसमें डेटा एंट्री करते हैं, सीरियल नंबर जैसे कि हम लेते हैं CD, हम यहाँ पे करते हैं CD और यहाँ पे हमें क्वांटिटी ली हमने 10, रेट हमने ले लिया 10 रुपीज़। और यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट हम रखते हैं जैसे DVD हम ले लेते हैं, सॉरी DVD, यहाँ पे हम लेते हैं हार्ड डिस्क, लेते हैं पेन ड्राइव और यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे कीबोर्ड, यहाँ पे हम लेते हैं माउस एंड यहाँ पे हम लेते हैं जैसे पावर बोर्ड। बस ये कुछ हमने आइटम ले लिए हैं, इनको हम नंबर दे सकते हैं एंड ये आप देखें तो 7 आइटम्स हमारे हैं। इन 7 आइटम्स को हमें सीरियल नंबर को सेंटर करना है, तो आप सेंटर कर सकते हैं और क्वांटिटी एंड अब हमें यहाँ पे सिंपली एक रेट को डिफाइन करना होगा और रेट हमने रखा इसका 25, इसका हम हार्ड डिस्क का रखते हैं 3250 और पेन ड्राइव का हम रखते हैं 350, हाँ कीबोर्ड्स का हम रखते हैं 450, माउस का 250 एंड पावर कोर्ड्स का हम रख देते हैं 100 रुपीज़। एंड यहाँ पे हम फंक्शन सेट कर लेंगे, टोटल अमाउंट हमें देना है तो उसके लिए आपको ऑटोसम यूज करना होगा, टोटल अमाउंट मल्टीप्लीकेशन देना होगा तो आप इसके लिए इक्वल टू लगाएं और क्वांटिटी मल्टीप्लाई एस्ट्रिक का सिंबल एंड दिस इज आपका रेट। तो ये आपका आ चुका है 100 रुपीज़। आप इसे यहाँ से ट्रेस कर लीजिए नीचे और GST हमें निकालना होगा तो इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 18 एंड परसेंटेज का सिंबल, ये आपका निकल गया 18 रुपीज़। आप इसको भी खींच लीजिए यहाँ पे एंड देन टोटल हमें देना है तो यहाँ पे ये टोटल होगा हमारा टोटल अमाउंट और GST ऐड होने के बाद हमारे पास में क्लोज टोटल होगा। तो आप यहाँ पे ऑटोसम यूज कर सकते हैं और इन दोनों को ही आपने टोटल में लेना है। तो आप यहाँ पे टोटल अमाउंट को और GST को क्लिक करके आप सेलेक्ट करके इंटर कर दें तो ये देखिए आपका टोटल भी यहाँ पे आ चुका है। अब इसके साथ साथ में अब मैं यहाँ पे नीचे टोटल अमाउंट के लिए भी ऑटोसम का यूज करूँगा, ये ऑटोसम आ गया, यहाँ पे मैं इसके लिए भी ऑटोसम का यूज करूँगा, ये भी ऑटोसम हो गया और यहाँ पे मैं इसके लिए भी ऑटोसम का यूज करूँगा तो ये इसका भी टोटल आ चुका है। अब इनको हम प्रॉपरली एक फॉर्मेट देना चाहते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर जो रेट है या अमाउंट है क्वांटिटी है ये हमारा कॉमन स्टाइल्स में आ जाए, तो ये देखिए हमारा ये स्टाइल्स इसमें कवर अप है और हमें सिंपली अब यहाँ पे करना होगा, इसको मैं थोड़ा बोल्ड आपके लिए दिखा दूँ और मुझे सिर्फ यहाँ पे कोई भी क्वांटिटीज़ आपके पास में आएंगी कि कस्टमर आपका कितना आइटम लेना चाहता है एंड आप DVD कोई आपसे लेता है 25 तो आप देखिए ऑटोमेटिकली आपका बिल बन रहा है, हार्ड डिस्क अगर कोई आपसे लेता है 10 और पेन ड्राइव अगर आपसे कोई लेता है 10 तो उसका बिल आपने आप ही कीबोर्ड भी आपने 10 ले लिए, माउस आपने ले लिए जैसे 50 और पावर कोर्ड भी आपने ले लिए 50 तो ये बन चुका है। ये हैशटैग्स यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसका कॉलम का जो साइज़ है वो छोटा है तो इसको हमें थोड़ा बड़ा करना होगा, तो देखिए बाहर गया है इसको आप यहाँ से पकड़ के छोटा कर दीजिए। तो दिस इज़ द टेबल, ये देखिए बिल आपका एक्जैक्टली बन चुका है जो कि टोटल अमाउंट आपका है 58,725 जिसमें कि GST ऐड होने के बाद में 10,570 का GST ऐड हुआ है एंड इंक्लूडिंग विद GST द टोटल फाइनल बिल इज 69,295.50 पैसा आपका ये बिल निकल रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बिल ऑब्लिक कैश मेमो आपको सिंपली आपको क्या करना होगा कि सिर्फ क्वांटिटी वाले हिस्से को आप डिलीट कर दें और सिर्फ इस तरह से अपने फॉर्मेट को आप बना के रखें। इसमें कंडीशंस आपने लगा दी है, फंक्शंस आपने जो है फॉर्मूलेज आपने ऐड ऑन कर रखे हैं और कोई भी पार्टी आपके पास में आती है उसमें आपका आपने XYZ यहाँ पे आपने जैसे अमन, जैसे यहाँ पे अमन सिंह कस्टमर्स का नेम आप देते हैं और वो आपको ऑर्डर देता है कि जैसे मुझे चाहिए 12 सीरीज, देखिए बिल आ जाएगा 24 DVDs एंड 10 हार्ड डिस्क एंड 20 पेन ड्राइव्स एंड 10 कीबोर्ड्स एंड 10 माउसेस एंड 50 पावर कोर्ड्स। तो दिस इज बिल इज वेरी क्विकली रेडी फॉर यू और ये फंक्शंस आपके सामने रेडी है। तो ये है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसे जो है बना सकते हैं बिल ऑब्लिक कैश मेमो और बहुत इजी है, बहुत ही यूजफुल है आपके लिए जो है। आप अगर अभी कोई अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं और आपको अगर एक्सेल्स आता है तो आप उसमें अपने बिल्स को बना के अपने कस्टमर्स को बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना बिल ऑब्लिक कैश मेमो बना के रखना होगा और वहाँ पे सिंपली जब भी कोई कस्टमर आपके पास आता है तो आप सिर्फ क्वांटिटी भरिए और वहाँ पे आइटम्स भी आप
वही है, और उसके बाद आप जो है उसका बिल आपके लिए रेडी होता चला जाएगा और आप डायरेक्टली आप प्रिंट दे के आप कस्टमर्स को ये सब दे सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज की वीडियो में, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला जो टॉपिक है जैसे कि बिल ऑब्लिक कैश मेमो का, इससे पहले हमारे पास में जो था वो था डिजिटल टेबल, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी टी वीडियो आपके लिए पहले से ही आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। तो आप उसमें ये वीडियो नहीं थी वहाँ पे, तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बना दी है। इसके बाद की जो वीडियो है सैलरी डिटेल्स, ये वीडियो भी ऑलरेडी आपके लिए बनी हुई है, तो इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक भी मैं आपको अपने वीडियोस के इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर कंटेंट है उसके आधार पर अगर हम देखें तो हमारा रिजल्ट टेबल का वीडियो आपके लिए रेडी है, कैश मेमो नहीं था तो वो मैंने बना के आपके लिए दे दिया है इस वीडियो के थ्रू। सैलरी स्लिप भी ऑलरेडी बनी हुई है, ये वीडियो इसका लिंक, दोनों वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इस वीडियोस के, आप उसके थ्रू जा सकते हैं। अगला वीडियो मैं आपके लिए लॉजिकल फंक्शंस का कुछ ले आऊँगा, जहाँ पे कि आपका एक वीडियो हम बनाएंगे लॉजिकल फंक्शंस की, जहाँ पे कि हम अपने लॉजिकल फंक्शंस को जो कि मैं आपको दिखा दूँ नोट्स के अकॉर्डिंग जो आपके लिए आ रहे हैं उनका, उनके ऊपर हम एक वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो थर्ड चैप्टर है ये हमारे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर, जो कि ऑलरेडी ये चीज़ें तो ऑलरेडी कॉमन है, तो या वो भी ये प्लस सिंबल्स ऑलरेडी हमारी इनमें आ ही चुकी हैं, तो लॉजिकल फंक्शंस का भी इसमें हमारा काफ़ी यूज हो ही गया है। अब आप भी हम एडवांस में इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये लॉजिकल फंक्शंस हैं, जहाँ पे कि हम आपके एंड फॉल्स इफ और ये सभी फंक्शंस का हम यूज एक एक्सरसाइज के अंदर आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें कि ये सभी फंक्शंस आपके लिए यूज हो जाएँ और आपको ये क्लियर हो जाए। तो एक वीडियो आपके लिए इसके ऊपर और बनेगी, चैप्टर थर्ड की सेकेंड वीडियो, या सेकेंड नहीं हम इसे फोर्थ वीडियो कह सकते हैं, तो वो वीडियो आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस वो आपके लिए लेके आते हैं। तब तक फ्रेंड्स आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इस ऐप की बिल या सारी सैलरी सीट्स भी आप बना के देखिए, साथ साथ में ये बिल पब्लिक कैश मेमो जो मैंने आपके लिए रखा है वो आप बनाइए, और साथ साथ में ये रिजल्ट टेबल भी आपकी ऑलरेडी है ये भी आप बनाइए। तो इस तरीके से आपका कोर्स जो है वो कवर अप होगा, तो आप इन चारों टेबल्स का जो है आप प्रैक्टिस कीजिए और इन सभी फंक्शंस का इसमें यूज कीजिए, जिससे कि आप प्रॉपर अलग टाइप के डिटेल्स या प्रॉपरली इस कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस अपने इन फ्रेंड्स को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर भेजिए जिनको आपको लगता है कि उनको इस कोर्स को सीखना चाहिए और उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को ज़रूर उनके साथ में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ नया नया सीखते रहिए इसमें, और अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।